नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? अभी समय हो रहा है सुबह के 7:55 और मैं निकल रहा हूं गाड़ी से अपने गांव। सो फिलहाल क्या देखने वाले हैं इस वीडियो में कि आप यहां पर देख सकते हैं, ये जो कांटा है गाड़ी का लास्ट वाला बार, ये एक बचा हुआ है जैसे ही मैं गाड़ी को स्टार्ट करने वाला हूँ। और ये मतलब ऑलमोस्ट इसकी पोजीशन पे ये कि ये अब लिपलिपाने वाला है। और इस वीडियो में मैं आपको एक टेस्ट करके बताने वाला हूँ टाटा टियागो के साथ कि ये वाला जो बार है ये लिपलिपाने के बाद गाड़ी एक्चुअली कितनी चल जाती है। तो मुझे लगभग 140 किलोमीटर के आसपास गांव है मेरा यहाँ से भोपाल से जाना है, तो मैं सोचा ये वाला टेस्ट कर ही लेता हूँ। एकदम चूसते तक लास्ट पूरे एक एक बूंद गाड़ी को पिलाएंगे। ये वाला जो टेस्ट रहेगा इसमें मेरे साथ 4 बंदे बैठे रहेंगे और जो गाड़ी का बूट है ये भी एकदम फुल रहेगा। तो ये बाहर मेरी फैमिली, मम्मी, बहन वगैरह सब कोई खड़े हुए हैं, पापा भी आने वाले हैं पीछे से। तो 4 लोग हम बैठे रहेंगे और जो गाड़ी का बूट है भाई ये भी एकदम फुल रहेगा। तो देखते हैं इतना लोडेड, फुल्ली लोडेड होने के बाद जो आपकी गाड़ी है ये कितना चल पाती है। तो गाइज मैंने अभी चलाई गाड़ी को, लगभग 4 किलोमीटर चलाया, 17 का एवरेज दिया और ये वाला जो कांटा है ये लिपलिपाने लग गया। इसका मतलब कि भाई एक्सट्रीम कंडीशन आ गई है, हद हो गई है कि अब गाड़ी में पेट्रोल कम है। और ये वार्निंग शो करने के बाद भी आपकी गाड़ी कितनी चल जाती है ये चीज़ अब देखने लायक होगी। अब इसको 0 कर लेता हूँ मैं फिर से। ये 0 हो गया है, 4 लोग बैठे हुए हैं अभी गाड़ी में, अब देख सकते हैं। और जो गाड़ी का बूट है वो भी एकदम फुल है और मतलब अच्छी खासी लोड पे चलने वाली है गाड़ी। गाड़ी का एसी भी साथ में ऑन है यहाँ पर, आप देख सकते हैं 1 नंबर पे मैंने गाड़ी का एसी ऑन करके रखा हुआ है, गर्मियों का सीज़न चल रहा है। तो फिलहाल तो मैं अभी सिटी में हूँ, भोपाल में हूँ, और यहाँ पर ये जो मतलब मिक्स्ड कंडीशन में चलने वाली है इस वाले टेस्ट में, तो गाड़ी जैसे थोड़ी सी सिटी में चलेगी, फ्रिक्वेंटली क्लच ब्रेक भी यूज़ होंगे और कहीं कहीं पे बीच में हाईवे भी आ जाएगा, फिर बीच में सिटी आ जाएगी 10-20 किलोमीटर की रेंज में। तो मतलब अब्दुल्लागंज तक लगभग 40-50 किलोमीटर तक तो वैसा ही है सिस्टम। तो लेट्स सी कितना चल पाती है ये। सो गाइज लेटेस्ट अपडेट अभी ये है कि मैं आ चुका हूँ लगभग 11.5 मतलब 11.5 किलोमीटर। और जो मतलब एकदम ब्रेकर आ जाना, बार बार फ्रिक्वेंटली क्लच ब्रेक यूज़ हो रहा, बार बार टर्न्स वगैरह आना, तो वो सिचुएशन लगभग थोड़ी कम हो गई है। अब मैं मेन हाईवे होशंगाबाद रोड है ये वो पकड़ चुका हूँ, और हालांकि ट्रैफिक इसमें भी है अभी अब्दुल्लागंज तक, जो कि 30-40 किलोमीटर पड़ेगा यहाँ से, लेकिन फिर भी जो रोड अभी निकल चुका है उससे काफ़ी कम है। और गाड़ी ने यहाँ पर माइलेज दिया है 18.4 का, मतलब शो कर रही है, एक्चुअल में कितना दिया ये तो अब भगवान ही जाने। पूरे टाइम जो गाड़ी है मैं सिटी मोड पे चला रहा हूँ, इसमें एक ईको मोड करके भी है लेकिन उसमें पावर काफ़ी ज़्यादा डल हो जाती है और सिटी में तो आप उसमें चला ही नहीं सकते, तो वो काफ़ी ज़्यादा बेकार, मतलब कि ऐसा लगता है कि यार क्या चला रहे हो, ठेला ढका लो इससे अच्छा। तो इतने लोड में और सिटी में मैं चला नहीं सकता, और हाईवे पे भी अभी यूज़ नहीं करूँगा इको मोड, क्योंकि जो पूरी टेस्टिंग है ये सिटी मोड में करनी है। और नई वाली जो टियागो उसमें इको मोड आता भी नहीं है, तो अगर कोई व्यक्ति नया अगर लेना चाहे तो वो सिटी मोड में ही जानना जरूरी समझेगा। तो गाइज लेटेस्ट अपडेट अभी ये है कि गाड़ी चल चुकी है 42.3 किलोमीटर और अभी जो माइलेज आ रहा है वो बढ़ के 22.4 हो गया है, काफ़ी अच्छी माइलेज है। और स्पीड जो है वो भी मैं 80 से 90 के अराउंड मेंटेन कर पा रहा हूँ, बढ़िया बेहतरीन हाईवे है यहाँ पर 4 लेन। और ट्रैफिक तो अब गया भाई, ट्रैफिक मैं सोच रहा था अब्दुल्लागंज तक मिलेगा लेकिन अब कोई ट्रैफिक वाली बात यहाँ पर नहीं है।
और मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आगे आ गया हूँ। तो गाइज रोड नई नई होने के कारण अभी हम एक रास्ता भटकते भटकते बच गए। ये जो ब्रिज दिख रहा है ऊपर वाला, इस पे चढ़ जाते लेकिन इस पे नहीं चढ़ना है, ये जो नीचे वाला रोड है इसी से जाना है। एक तो बेचारा वीडियो बना रहा है तो यार बहुत जल्दी भी दिखे थे यार। कहाँ दिखे थे? अरे दिखे थे, अब चलो आगे तुम तो। नहीं फोटो भी खिंचाएंगे। कितने बजे है अभी? 9 बज गए। बजाओ यार थोड़ा पहाड़ी गाने बजाओ। सो गाइस अभी की अपडेट ये है कि हम लोग एकदम सिंगल लेन हाईवे पे चल रहे हैं। हालांकि ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है लेकिन हाईवे पे थोड़े बहुत खड्डे वगैरह और नॉर्मल सा हाईवे है। और गाड़ी चल चुकी है 54.3 किलोमीटर्स एंड 21.1 का जो है माइलेज गाड़ी ने निकाला है। थोड़ी सी मैंने अभी 100 पे भी चलाई थी गाड़ी को, उस कारण माइलेज थोड़ा सा ड्रॉप हो गया, लेकिन ठीक है 20 के ऊपर है, मतलब ठीक है अपने लिए, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि मतलब पेट्रोल बिल्कुल ही एंड बता रही गाड़ी, उसके बाद भी 54 किलोमीटर तो एटलीस्ट चल ही गई। अभी और देखना है कितनी चल पाती है। तो थोड़ा सा ट्रैफिक सा आ गया, मतलब ट्रैफिक नहीं कि गाँव वाला ट्रैफिक है, किसी ने अपने एयरबैग इसके पीछे टेस्ट कर दिए होंगे, है ना? देखूं तो सही, टियागो के पीछे कर लेता भाई, इतना नुकसान नहीं होता। साइड हट जाओ मुझके आ रहे हैं, हट जाओ। अरे हट जाता पाचने। क्या यार अपन सुबह 6 बजे बस पकड़ के आते थे मुश्किल से, और दोनों जगह स्टैंड पे पूरी की पूरी सेना छोड़ने आती थी। नरसुल्लागंज 47 किलोमीटर, ये नरसुल्लागंज ही ना पहुंच जाए यार। फिफ्टी फाइव पॉइंट फाइव किलोमीटर्स। चलो टाइम लैप्स बना लो। तो भाई अभी गाड़ी चल चुकी है 60 किलोमीटर, माइलेज हो गया है 21.0 का, और जो रोड है वो आप देखिए एकदम सिंगल रोड चल रही है। एक्चुअली ये मतलब आगे घाट सेक्शन आने वाला है और साइड में ये जंगल वगैरह है, मतलब देलावाड़ी करके आपने नाम सुना होगा, अगर नेट पे सर्च कर सकते हैं चाहे तो, वहाँ पे हैं। तो थोड़ा मतलब कि जंगली जानवर वगैरह यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं जंगल में, उस कारण से यहाँ पे जो रोड है वो सक्रिय कर दी गई है।
आगे काफ़ी अच्छा एक नज़ारा भी है पहाड़ों का, मतलब ऊपर से देख सकते हैं, वहाँ पे अभी हम रुकेंगे। लेकिन फ़िलहाल भाई जिसकी उम्मीद नहीं थी उतनी ये गाड़ी चल चुकी है 61, और अब और देखते हैं आगे कितनी चल पाती है। तो भाई अभी देखो 62.9 मतलब एक डेढ़ किलोमीटर ही चले हुए थे, और जो रास्ता है काफ़ी सकरा हो गया है, और मैं सोचा कि आपको थोड़ा सा नज़ारे दिखा देता हूँ। ये है भाई देलावाड़ी, कैमरा पता नहीं जज कर पाए नहीं, बहुत लंबे लंबे यहाँ पे पूरे सागवान ही सागवान दिख रहे हैं, और ये भाई साहब दिख रहे हैं, इनसे थोड़ा सा फ़ोन मेरे को बचा के रखना पड़ेगा। हाय हेलो, ये देखो अभी गाड़ी पूरी भरी पड़ी है, ये लोग बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इनके ऊपर थोड़ा सा चढ़ूँ। लेकिन ये देखो ये सब रास्ता पूरा जाम करके बैठे हुए हैं, इसके ऊपर जाने का मैं सोच तो रहा हूँ लेकिन जा नहीं पाएंगे। बाकी भाई यही है एकदम मस्त, थोड़ा फोटो मोटो खींचते हैं यहाँ पे। हेलो, केला खा लो फ्रेंड्स, एक फ्रेंड वो केला खा रहा है, एक फ्रेंड ये केला खा रहा है, एक फ्रेंड ये चढ़ के आ रहा है और ये डर के बैठा हुआ है। बाहर तो निकल जा, नहीं करेगा वो कुछ भी। अब हम खत्म हो गया, अब मुझे देख रहा है। अरे आ तो सही, अरे नहीं बाबा। तो भाई हमारा फोटो फाटा खींच खाच के सब कुछ हो गया है, बेहतरीन इंस्टाग्राम पे डालेंगे, फॉलो वोलो कर लो, और मतलब फॉलो कर लो, फॉलो ओलो नहीं करो, फॉलो कर लो, एक बार और ले लें। अगर आप इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते हैं तो ज़रूर कीजिए, आपको मस्त मस्त फ़ोटोज़ वगैरह सब कुछ देखने को मिलेंगे वहाँ पे। बाकी अभी वही 63 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी, थोड़ी देर में हम लोग सलकनपुर रेहटी पहुँचने वाले हैं, एंड वहाँ पर देखते हैं कि ये कितना क्या। वैसे ढलान है यहाँ पर, माइलेज तो बढ़नी चाहिए गाड़ी की, ढलान में यूजुअली जो माइलेज है वो बढ़ जाती है। और ये एक हेयर पिन कट था, और यहाँ पर थोड़ी सी समस्या आती है। चलो मैं गाड़ी चलाने पे फोकस करता हूँ, जब तक आप लोग टाइम लैप्स वगैरह देखिए। गाइस मैंने सोचा था कि अब डायरेक्ट सलकनपुर रेहटी जब मैं पहुंच जाऊंगा तभी नेक्स्ट अपडेट दूंगा, लेकिन गाड़ी जो चल चुकी है 73.8 किलोमीटर्स 21.1 की माइलेज के साथ, अभी तक भी मतलब वो डंडा जो है लिपलिपा ही रहा है, लेकिन गाड़ी चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है। और सोचो अगर ऐसे जंगल में आपका पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो क्या होगा। सो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूं सलकनपुर रेहटी, और यहां पर क्या है एक होटल वगैरह है, तो यहां पे नाश्ता वगैरह करने के लिए गाड़ी रोकी हुई है। तो अपडेट ये है कि 81.9 ऑलमोस्ट 82 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, 21 और 22 के आसपास ही माइलेज डोल रहा है, और बढ़िया है, बस 80 किलोमीटर चल गई, काफ़ी है यार मेरे हिसाब से। बस मेरे को भी इतनी उम्मीद थी इतनी चलेगी, अब इससे ऊपर कितनी चलती है देखने लायक होगा। तो भाई रास्ते में हम लोग अभी रुके हुए थे, ऐसी कोई सी जगह थी, और यहाँ से अब गाड़ी चलाने वाली है प्रियंका, और 86 किलोमीटर अभी तक गाड़ी चल चुकी है, और कितनी चलती है देखते हैं। ये क्या है, थोड़ा सा नूबड़ी है, नूबड़ी बोले तो बिगिनर एंड
इज्जत से बोल देते नूब। चलें चलो। सो गाइस फाइनली गाड़ी हो चुकी है बंद, मतलब कि पेट्रोल हो गया इसमें बिल्कुल निल। अब कितनी चली है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस हम लोग अभी चल चुके हैं 92.1 किलोमीटर 20.5 की माइलेज के साथ, और अभी गाड़ी बिल्कुल ये देखिए स्टार्ट भी नहीं हो रही है, मतलब कि इसमें पूरा पेट्रोल एकदम ख़त्म हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा है। तो अगर आपकी बत्ती लिपलिपाने लगे और उसके बाद भी अराउंड जो गाड़ी है 92 किलोमीटर, और यहाँ पे चार लोग भी जैसे गाड़ी में बैठे हुए हैं हम लोग, तो उस हिसाब से अगर आप दो लोग भी हैं और बूट में ज़्यादा सामान भी नहीं है तो गाड़ी 100 किलोमीटर आराम से चल जाएगी। बाकी अब ऐसी जगह पर ये पेट्रोल ख़त्म हुआ है जहाँ पर जो पेट्रोल पंप है वो नहीं है, तो अभी मैं क्या करूँगा, एक लीटर की जो बोतल है पेट्रोल की दिखाना, ये देखिए एक लीटर की बोतल की जो पेट्रोल है, एक लीटर पेट्रोल में बोतल में लेकर के आया था, ताकि अब मैं करने वाला हूँ इस गाड़ी का माइलेज टेस्ट। अब इसमें बिल्कुल ही पेट्रोल ख़त्म हो गया है और माइलेज टेस्ट अब इसका करेंगे, देखेंगे कि ये गाड़ी कितनी चल जाती है एक लीटर पेट्रोल में। यहाँ पर जैसे 20 की माइलेज शो कर रही है, तो ये तो मतलब MID का रहता है, अब ओरिजिनल और MID में क्या डिफरेंस रहेगा वो सब पता चलने वाला है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही कि जो गाड़ी है जब कांटा आपका लिपलिपाने लगे तब कितनी चल पाती है, ये केवल इस वीडियो में मैंने आपको बताया। अगर अब आपको माइलेज टेस्ट देखना है तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो इतना ही था इस वाली वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और चाहें तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।